सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मेरे को मालूम है गुड मॉर्निंग बोलने की आपको लगे कि साला अंधेरे में कि गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, बट भाई 5 बज रहा है अभी 5। सो ये तो घंटे से नहीं है, 2 बजे मैंने कल का व्लॉग ख़त्म किया था, आज 5 बजे मैं नया व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कायाकिंग करने और ये वो लोकेशन यहाँ से 1.25 घंटा दूर है। तो मैं तो रेडी हूँ, मेरे सामान जा रहे हैं, बाकी लोगों का मेरे को वेट है कब और कितना टाइम उनको लगने वाला है। तो बस वो जैसे ही आ जाते हैं हम निकलते हैं। भाई नींद नहीं हुई है, भाई आँख देखो नींद नहीं हुई है। यहाँ से हमको दूसरी जगह भी निकलना है, तो लग रहा है वो ऑन दी वे अभी नींद होने वाली है। तो देखते हैं आज के दिन में क्या कुछ करने वाला हूँ, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ, तो व्लॉग को एंड तक देखना ना भूलें। चलो तो फाइनली 1 घंटा सुबह ट्रैवल करके हम लोग बहुत प्यारा सनराइज़ देखने आए हैं। मतलब हम लोग जो कायाकिंग करने आए हैं वो सनराइज़ देखते देखते करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट व्यू। ये कायाकिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बस सनराइज़ होने वाला है, वहाँ से हो रहा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कितना हो चुका है। और नींद तो भाई बहुत तगड़ी वाली आ रही है, क्योंकि सोए नहीं है। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बार बार तो आएंगे नहीं यार, तो वही बात है। आपको सनराइज़ दिखा देता हूँ पहले। चलो ये देखो, अब बस व्यू देखो यार, सोचो कितना सही है। अभी ये पूरा ऊपर आएगा और हमको यही व्यू पे अभी काया करना है। मज़ा आएगा, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। अभी सब नींद भाग जाएगी। चलो फिर फटाफट कायाक लेते हैं, मैं तो सिंगल लूँगा भाई, किसी के बसड़ में नहीं पड़ना है, सिंगल कायाक लेके चल दूँगा अपना। चलो भाई डिफिकल्ट है ये भी एक टास्क। व्हाट बिटवीन माय लेग्स, वाओ दिस इज समथिंग कूल। चलो ऑल सेट, फुल रेडी, अंदर जाते हैं। भाई लोग पता नहीं किसी कितनी फटी पड़ी है, थोड़ा कोई बताएगा फटी पड़ी है कि नहीं। राहुल कितनी फटी पड़ी है? नहीं फटी पड़ी है। पीछे लोगों की तो ज़रूर फटी पड़ी होगी, बट उनसे पूछ नहीं सकते, उसके लायक नहीं है। चलो अभी मेरी बात सुनो, चलो हम अगले 5 मिनट में हम लोग शुरू करेंगे अपने कायाक करना। मैं सिंगल कायाक करने वाला हूँ, बाकी सब डबल। तो मज़ा तो बहुत आएगा, क्योंकि मेरे को अपना कैमरा भी हैंडल करना है साथ ही साथ, तो दोनों चीज़ देखना पड़ेगा भाई। व्लॉग तो करना है, सनराइज़ पे कायाक कर रहे हो तो भाई व्लॉग तो करना बनता है, इतना मेहनत। मज़ा आने वाला है, मज़ा। अभी हम अपना खुद का रास्ता बना के जा रहे हैं, जहाँ से हमको कायाक शुरू करना है। इधर था द हाउस बोट सर, वही हो ये टर्निंग लेफ्ट, क्योंकि आई थिंक वो रूट होगा कायाक करने के लिए। अच्छा, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सनराइज। ओके, आप लोग बस व्यू देखो, मतलब इसी सनराइज के थ्रू हम लोग को कायाक करना है, दैट्स वाई इट इज़ सो सीनिक एंड ब्यूटिफुल। कमाल, वो ठीक कर देना, बहुत अच्छा आएगा। एक सेकेंड में फ्लैट ठीक करता हूँ। So we all are ready. Our guide is also here. So now we just have to follow him. उसके पीछे चलते चलते अब देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाएंगे। भाई फुल सेट है, फुल सेट है, सब फुल सेट है। टर, हाँ, कहाँ जाना मैम? अजय को फॉलो करना है। अजय, अजय प्लीज कॉम फॉलो अजय को करना है। सीटी कौन मार रहा है? अजय की असिस्टेंट हूँ मैं। अच्छा, जल्दी नौकरी जल्दी। तुम क्या है, ये इधर से पैडल मार रही है, इधर से पूरा कायाक लेके आ गई है। ओहो,
क्या है, हम घिर चुके हैं हम लोग बुरी तरीके से। वाह यार मजा आने वाला है भाई, मजा तो आएगा। वाटर हाँ बहुत बहुत अच्छा है। हाँ नो 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 दैट माइट बी इसकी क्योंकि वो बहुत खतरनाक होने वाला है भाई। हमारा गाइड नहीं है, गाइड पीछे ही रह गया क्योंकि अभी जस्ट एक वन ऑफ आवर फ्रेंड उसको उसका टक्कर हुआ ऐसे हाउस बोट से, तो उसको रेस्क्यू में लग गया। साला ऐसा लग रहा है मैं ही लीड कर रहा हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, सारे मेरे पीछे हैं, आप देख सकते हो सब मेरे पीछे हैं। अब मैं ही गाइड बन गया इनको क्योंकि आई हैव डन कायाकिंग बिफोर। तो भाई बस कायाकिंग का यहाँ पे एक एडवांटेज है भाई, आप व्यू दिखाता हूँ आपको, ये गोइंग टूवर्ड्स दैट व्यू, उधर जाना हमको भाई, सुपर होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, गाइड भैया हमारे साथ है। हाय अजय, अजय से हाय, ही इज आवर गाइड फुट में। तो अभी बाकी के तो सारे लोग बहुत पीछे हैं, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम पीछों की तरह नहीं रहने वाले, तो आगे जा रहे हैं हम लोग फटाफट। चलो भाई हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया है अभी और वी आर ऑल स्कैटर्ड राइट ना। आप उधर देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोग हैं, फिर वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, आप वहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ और हमको उधर जाना है सन की टूवर्ड्स। तो अभी जर्नी बाकी है, अभी तो आई थिंक इट्स ओनली 20% वे जो हमने कम्प्लीट किया है, पूरा बाकी है अभी, तो वो भी ख़त्म करते हैं क्योंकि मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। कायाक तो किया है बट ऐसे कभी नहीं किया था, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है गाइस। तो फाइनली रेस्ट लेने को मिला है, कितने डेढ़ घंटे, एक घंटे बाद, अब एक घंटे और बाकी है अपने को। एक हम लोग किसी ब्रिज के नीचे हैं अभी और थोड़ा ब्रीज है क्योंकि बाहर बहुत धूप हो चुका है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। इट्स टायरिंग ऑल्सो पर ठीक है यार, काफ़ी सही एक्सपीरियंस है, दो घंटा कायाकिंग करना कंटिन्यूसली, इट्स अमेजिंग, मज़ा आ गया मज़ा। अभी थोड़ा यहीं रुकेंगे दो चार मिनट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सो दैट आर्म्स को थोड़ा ताकत वापस आ जाएगा। चलो फिर तो फाइनली हम उस पॉइंट पे आ गए जहाँ से वी हैव टू टर्न बैक, और जितना आए हैं एक घंटा चला के उतना ही हमको एक घंटा चला के वापस भी जाना है, मतलब जितनी ताकत गई थी उससे डबल जाने वाली, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टायर्ड नाउ एंड सन बहुत ज़्यादा है, तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट अब जाना तो है, बीच में क्या करेंगे। चलो रिटर्न की टिकट शुरू करते हैं, रिटर्न जर्नी। How do you feel? I'm feeling very good right now, but tired also. हाँ? Yes, because दो घंटा पहली बार इतना ज़्यादा कायक किया यार। जा रहे हैं थोड़ा देर से, थोड़ा ये चलते, चालू कर। What's up? How's the experience so far? Exhausted. But still, is this your first time? No, no, this is my third time शायद से, but बहुत मज़ा आया। Third, मैं दो कायक उसमें की हूँ, एक दिन नहीं गई थी। बहुत मज़ा आ रहा है। भगवान जी thank you. मजा तो बहुत आ रहा है भाई, बट हमको और लंबा जाना है। चलो थोड़ा ए चलो अब थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेकर के चल देते हैं आगे। यस भाई, ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट आवर 2-2.5 hours का कायाकिंग, बट एक्सपीरियंस बहुत सही था बट टायरिंग था। अभी आखिरी 5 मिनट चला के और जाना है, सोचा ब्लॉक करते हैं, फिर एंड तो करना ही है। चलो 5 मिनट और चला ही लेते हैं, फिर दिखाते हैं कंडीशन। अबाउट टू फिनिश आवर कायाकिंग सेशन भाई, लाइन लग चुकी है यहाँ पे बोट उतारने के लिए और मैं यहीं पे हूँ। मून का लाइन क्लियर होता है तो हम जाते हैं, बट इट वाज अमेजिंग गाइस। टायरिंग था बट ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब सुपर, बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था भाई। आई तो एंजॉयड इट, मेरे साथ जितने भी लोग थे सब ने मज़े किए, मतलब हम लोग जिस ग्रुप में मैं आया हूँ मैं उनको छोड़ के दूसरों के साथ मज़े कर रहा था, बिकॉज मेरे को मुंबई के लोग मिल गए थे एंड इट वॉज अमेजिंग। मतलब मेमोरीज के साथ साथ मैं एक्सपीरियंस भी लेके जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ गया। अब आगे क्या होने वाला है वो मेरे को भी नहीं मालूम है, आई डिस्कस विद माई पीपल एंड आई लेट यू नो, एंड इसी ब्लॉग में अपडेट करूँगा। तो अभी हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है भाई, आज का ब्लॉग बाकी है, देखते रहो। आफ्टर कम्प्लीटिंग 2 hours कायाकिंग सेशन भाई, रिफ्रेशमेंट, नारियल पानी केरला का भाई साहब, सब इट्स रिफ्रेशिंग, इट्स टू स्वीट एंड इट्स टू टेस्टी, मतलब ऐसा एनर्जी ड्रिंक मिले तो भाई मज़ा आ जाए। व्यू को देखो यार, ये भी कमाल का व्यू है, मतलब केरला इज ऑल अबाउट ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी, एस्थेटिक, इट्स सो गुड मैन, मतलब
काफी सही है, बनता है, बहुत बनता है, आना तो बनता है, इट्स गॉड्स ओन कंट्री। तो अभी हम बेचारे थके हारे अब आ चुके हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, भूख बहुत तेज लगी थी, बहुत थक गए थे, थोड़ा पेट पूजा करते हैं और फिर अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए निकलते हैं, वहीं जाके फैशन अप होने वाले हैं। चलो थोड़ा नाश्ता किया जाए भाई। अभी इतने घंटे बाद सो उठा, मेरे को पता भी नहीं चला कि वॉशरूम आया था, तो गाड़ी रुका तो हम लोग उठ गए। अभी शायद आधी जर्नी हमारी पूरी हुई, आधी अभी भी बाकी है, तो वापस चलेगी तो मैं तो वापस सो जाऊँगा, क्योंकि जग के कुछ मतलब है नहीं। तो सीधे उठूँगा प्रॉपर्टी पर, आपको दिखाऊँगा कि प्रॉपर्टी कैसी, बस मेरे को भी प्रॉपर्टी देखने का ही वेट है, आप लोग को दिखाना है, तो सो दैट मैं सजेस्ट कर पाऊँ जाओ या मत जाओ। बट लेट्स सी, अभी यहाँ पे वॉशरूम तो हो गए, कर लिया हम लोगों ने, करना क्या है, फिर ड्राइवर अंकल थोड़े थक गए हैं तो उन्होंने ब्रेक लिया है, तो अच्छा सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली तो हम लोग अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे इसके लिए, अपना सूर्य नली के लिए, तो चलो सूर्य नली पहुँचते हैं फिर। सो फाइनली ट्रैवलिंग फॉर अराउंड 8 आवर्स वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, मतलब आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम है टेंट ग्राम। मैं अब भी आपको ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, चलो ये देखो, दिस इज द एंट्रेंस टेंट ग्राम रिसेप्शन, आर पीपल आर पेइंग द अमाउंट एंड ऑल, एम्बियंस मैं आपको दिखाता थोड़ा, जस्ट सी। अब भी अंधेरा हो चुका है काफ़ी, तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट्स जितना दिख रहा है आपको उतना ही दिख रहा है, इधर भी है एंड इट्स फॉगी ऑल्सो, तो ये यहाँ का वाइब है, मतलब काफ़ी सही लग रहा है। मैं आपको अभी अपना डॉम दिखाता हूँ जो अंदर एक्चुअली हमको मिला है, वो भी अच्छा है यार, मतलब पीसफुल है, काफ़ी सही है, मतलब एंड मोमेंट पे जो भी मिला सही मिला। एंड शो द रूम, दिस इज आवर रूम, दिस इज दिस 12 पैस रूम, बहुत सही है, दिस इज माय रूम। अभी यहाँ ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, अभी जितना ये जगह है ना ये हमको कल ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने मिलेगा। यू कैन सी ये भी है, मतलब दिस इज ऑल्सो आई थिंक एक्स्ट्रा डोम्स रूम्स, तो ये जगह हमको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने मिलेगा सुबह सुबह, अभी तो कुछ नहीं है, अभी हम लोग अरेंज करेंगे डिनर, डिनर कैसे क्या करने वाले हैं, तो चलो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, डिनर क्या है कैसे अरेंज करना है। सो एवरीथिंग इज़ डन नाउ, खाना हो चुका है, मैं जा रहा हूँ अभी सोने, क्योंकि अगेन अर्ली मॉर्निंग उठना है, कोलकमलाई से जाकर के हमको ट्रैक देख करना है और सनराइज देखना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सनराइज एंड सनसेट ओवर हियर, तो स्लीप साइकिल ना बिगड़े सोना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत टायरिंग हो चुकी है बॉडी, आज का भी हम लोग सुबह उठे थे, और आई होप आप लोग को आज व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो चीज़ आज हमने सुबह की मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ लाइफ में एक बार आओ एलपी बैक वाटर्स पे, कायाकिंग जरूर करो, इट्स टोटली वर्थ इट, दे चार्ज अराउंड 750 रुपीज़ पर पर्सन, और उस 750 रुपीज़ में आप लोग को सब कुछ करने देते हैं, बहुत मज़ेदार है, 2.5 घंटा कायाक करने देंगे, दैट टू एट बैक वाटर्स, भाई एक बार आओ और ट्राई जरूर करना, कॉन्टैक्ट gopaddle.com फॉर दैट, दे विल अरेंज ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो then please do share it with your friends, it was too beautiful, my day was very good, bye bye guys, thank you for watching this vlog.